गाइस, देसी है अपना किचन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ लाप साग की रेसिपी। पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको धुलाऊंगी, धुला के कट करूँगी। कटने के बाद ये फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। जल चुका है, अब मैं इसमें लाप साग डालूंगी। कुकर चट गया है, ये देखिए लाप साग का कत इसमें जा रहा है। बस 2 या 3 सीटी लगाना है। 2-3 सीटी लगाने के बाद इसमें तड़का लगा देना है। ये देखिए सारा साग इसमें धुला के रेडी है और ये अब कुकर में डल रहा है। इसमें 1 चम्मच या फिर अकॉर्डिंग 2 चम्मच नमक, थोड़ा सा और इसमें नमक मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसका कुकर बंद करूँगी। दो बार इस तरह से चला देना है। आप चाहे तो इसमें आधी थोड़ा सा थकुच के डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको पहले कुकर में चला के हल्का फ्राई करना है और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें क्या कहते हैं पानी डालूँगी। और आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी फ्राई करके पानी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें कुकर में डाल इसलिए तो मैं कुकर में डाल रही हूँ। तो अकॉर्डिंग जितना हमको ज़रूरत है मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल रही हूँ। हाँ, बस हो चुका है। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी फ्रेंड। थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ। तो अब बस ये हो, आप देख सकते हैं ये हो चुका है। पानी में डाल दी इसके अकॉर्डिंग जितना हमको ज़रूरत था। अब मैं कुकर बंद कर रही हूँ और 2-3 सीटी आ जाने के बाद मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। बॉयल कर ली हूँ पानी में और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। अब इसका तड़का लगाने का बारी है। तो तेल गर्म हो चुका है और ये रहा जमन, ये डल गया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा मिर्च, थोड़ा सा चटकने के बाद चटक चुका है सूखा मिर्च। सूखा मिर्च गया और जब ये थोड़ा सा चटक जाएगा, थोड़ा ब्राउन कलर में आ जाएगा, तो फिर अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। तो ठीक है, अब मिर्ची हमारा पक चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। तो ये गया गाइस, तो लहसुन चला गया है। अब लहसुन के ब्राउन होने के बाद जो साग में बॉयल करके रखी हूँ वो इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ये लहसुन हमारा पक चुका है। अब इसमें साग जाएगा, जो साग मैं पहले से बॉयल करके रखी हूँ, सिर्फ नमक डाली हूँ ओनली फॉर इसमें। तो ये साग गया गाइस, अब मैं थोड़ा देर वेट करूँगी साग का उबाल आने तक। साग के उबाल आने के बाद बस हमारा डिश कंप्लीट है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है और ये रेसिपी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।